गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल लुकिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 की जो मैं हैंडल बार को मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूं, आज मैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बातों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, कोई इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाते हुए सीधे आते हैं अपनी वीडियो पे। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता हूं और कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आता हूं जो कि आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं हर बार कुछ नया लेकर के आऊँ, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर के आऊँ, कुछ अच्छी मॉडिफिकेशंस लेकर आऊँ और अच्छी मैकेनिज्म की वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, हर छोटी बड़ी चीज़ जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों ही सेव हो सके। ओके, तो मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, अगर आप वीडियो को फॉलो करते हो, वीडियो को देखते हो, पूरी तरीके से देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, वो मेरी वीडियोस में आपको पता लगेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब तक की वीडियो में आपने देखा मैंने इसमें किस तरीके से इस रिंग को फंसाया है और किस तरीके से मैंने ये अपना एंड बार का ये नट बनाया। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। ओके, तो देख सकते हो ये अपना ये इस तरह से आएगा, इसमें अपना एक्सेलरेशन का पॉइंट आएगा और ये अपना क्लच लीवर वाला। ओके, इसमें ऑलरेडी कंपनी ने दो सुराख दिए हुए, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में, की साइड के सुराख हमारे ये काम के नहीं है, हमें इसमें नीचे की साइड करना है। तो इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से, ये मैंने अपनी पल्सर से खोला हुआ है, इसको ये रखते हैं इतने पर और इसी के अकॉर्डिंग अपने को निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, सेम यही चीज़ इसमें अप्लाई नहीं करना है, ये देख सकते हो 6.5 इंची पे है इस तरीके से ऐसे। तो दोनों निशान हमारे लग चुके हैं दोस्तों। अब आप जब इसको हम नापेंगे तो आप इसमें देख सकते हो लगभग एक निशान कितनी ऊपर है और एक निशान कितनी नीचे है। दोस्तों ये जो निशान देख रहे हैं ना मैं, ये लगभग 4.5 इंच पे आया है दोस्तों। पहले दोस्तों अपन इस पर थोड़ा सा ठोक करके और निशान लगा लेंगे ताकि अपना ड्रिल इधर उधर स्लिप ना हो, अपना इस पर ठोकने से थोड़ा सा निशान सही सा हो गया दोस्तों। देख सकते हो आप, मैंने इसमें होल कर लिया है। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले में भी कर लेंगे। तो चलिए देख सकते हो दोस्तों, ये भी एक होल हो गया अपना। दोस्तों मेरे केस में मुझे इस तरह के दो रिंग की जरूरत और पड़ रही है और ये जो मैंने इसके अंदर में फिट किया हुआ है उस तरह की इस ये दो रिंग की जरूरत मुझे और पड़ रही है क्योंकि मुझे इसके ऊपर इस तरह से स्पेस क्रिएट करना है। इस रिंग की जगह पहले मैं ये सोचा था कि मैं इस बैरिंग का यूज़ करूं, तो ये बैरिंग में थोड़ा सा झंझट है, इसके बीच के इस हिस्से को कट करो, इसके दाने को निकालो जाएगी। तो मेरे पास ये दो रिंग पड़ी हुई थी इसके लेवल में, आप देख सकते हैं। अब ये क्योंकि हिले ना, ये इधर उधर हिले ना, इसके लिए ये दो रिंग मैंने और ले लिए हैं, ये इसके अंदर इस तरह से फिट हो जाएंगे दोस्तों। इस पॉइंट पर जब हमें स्पेस क्रिएट करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे दोस्तों इस तरीके से, आप देख सकते हो इसमें 8 नंबर का ही या 10 नंबर का नट लगेगा। तो पहले मैंने जो हॉल किए थे वो ये था और ये वाला था, लेकिन मुझे इसकी सेटिंग में जब मैंने स्विच बार लगाया अपना तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, स्विच बिल्कुल नीचे की साइड चले जा रहे थे, तो इसलिए मुझे दूसरे हॉल करने पड़े थोड़ा सा अंदर की साइड में करके। ये यहाँ है और दूसरा यहाँ, आप देख सकते हो सेंडिंग मैंने कुछ कर ली है और इस वाले की नहीं की है, तो इसकी भी मैं सेंडिंग इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, इसको मैंने पेंट भी कर लिया है तो अब कुछ हद तक ये अच्छे लगेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले अपने को ये हैंडल बार खोलना है और ये हैंडल बार खोलना है, और दोस्तों जैसे जैसे इसका जो प्रोसेस होगा सेम टू सेम वो इस हैंडल बार का प्रोसेस होगा। और वहीं दूसरी चीज़ दोस्तों बिल्कुल इस शॉर्टकट में लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अपने को ये जो सस्पेंशन दिख रहा है इसको थोड़ा सा अपन ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसके बाद ये जो है ये अपना जो एक्सेलरेशन का है ये तो ईजिली निकल जाएगा, लेकिन ये टाइट होता है तो इसको कैसे निकालना है इसका बहुत ही ईजी मेथड है, तो वो मैं आप लोगों को अपने वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और वहीं एक हॉल अपने को यहाँ करना है, एक हॉल अपने को यहाँ करना है, तो ज़रूरत पड़ी तो इसमें नटबोल्ट लगाएंगे नहीं तो इसमें थ्रेड बनाएंगे। इसको भी थोड़ा सा लूज करके लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी सेटिंग फिर इसके हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैंडल आगे चले जाएगा तो उसी हिसाब से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। बस फटाफट से मैं इसके सारे नटों को, पेंचों को और स्क्रूज को लूज कर देता हूँ दोस्तों। इसको लूज करेंगे, ये हो गया अपना लूज, सकते हैं आप लोग।
एक ये लूज हो गया, दो ये भी लूज हो गया। हाँ इस साइड में दोस्तों ये देख सकते हैं, ये देखो ये देख सकते हैं, ये इस तरह ऊपर जाएगा, ये देख सकते हैं ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। इसको भी कर लेते हैं साइड। दोस्तों इस ग्रिप को खोलने के लिए अपन को क्या करना है, अपन ले लेंगे थोड़ा सा जला हुआ ऑयल, ओके, और ये पेज का सपना, और इस हैंडल को करेंगे इस तरीके से, इसमें अपन इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और यहाँ पर अब इस तरीके से डाल देंगे दोस्तों, इसके अंदर चला जाएगा ये, ओके। इस तरीके से पेज पर डाल के ऐसे ऑयल को थोड़ा सा इसमें अंदर डालने की कोशिश, आप धीरे धीरे इसको पूरी ताकत और पूरी फोर्स से इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, फिर देखोगे कि अपना ये देखिए दोस्तों ये खुलने लगा है, ओके। ये देखिए ये बड़े आराम से, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से ये अपना बाहर आ जाएगा। ये देखिए अब खोल लेते हैं अपन इसको, ओके, इसको थोड़ा सा इस तरह से लूज कर, ओके, अब इसको लूज ही रहने देते हैं, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप पीछे आ रहे, ओके। अब इन दोनों नट को खोल लेंगे, इस तरीके से निकालेंगे और अपन ऐसे करके इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से एक साइड का ये खुल गया, ओके। अब ये स्पेसर बनाया था दोस्तों मैंने अपनी पल्सर 150 के हैंडल बार से, और मैं इसको लूज कर लेता हूँ, ओके, ये देखिए ये लूज कर, फिर इसको भी लूज कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग ये थोड़ा सा लूज हो गया है। अपना ये दूसरे साइड का हैंडल भी सेम उसी प्रोसेस की तरह से खोल लिया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो अपना एक्सेलरेशन का पॉइंट का, ओके, ये तार उसमें फंसी रहती है, बस इसको निकालना होता है। लगाते टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे लगाना है। एक चीज़ और, मैंने इसको थोड़ा सा देखिए ऊपर कर लिया है, वहीं इसको मैंने ऊपर नहीं किया, आप देख सकते हो, है ना, ये स्क्रूज दोनों ये लूज कर लिया, ओके, और ये नीचे यहाँ पे 17 नंबर का नट भी लूज कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, अब हम इसको एक बारी मेजर कर लेते हैं अपने हैंडल बार और ये इसका स्पेसर में डाल देते हैं इस तरीके से, और ये देख लेते हैं दोस्तों अपना हैंडल बार आराम, तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा परफेक्ट हो चुका है। और वही चीज़ हम उस साइड भी करके देख लेते हैं, ये अपना स्पेसर, ओके, और ये अपना हैंडल बार, इस तरह से टर्न लेना है, और ये देखना है कि ये इसमें कितने गैप बना के चले। दोस्तों मैंने लगभग अपने हैंडल बार की सेटिंग को बिठा लिया है और इसको यहाँ से स्क्रू टाइट कर दिया है, ओके। अब देख सकते हैं मैंने अभी स्पेसर हटा रखा है, अब इसकी हेल्प से अपन इसमें हॉल करेंगे। इसी तरीके से अपन इसका भी हॉल कर लेंगे दोस्तों। सबसे मेन काम दोस्तों अपना यही है हॉल करने का, मैच करके हॉल कर लिए, ओके, और वहीं अपने इस पॉइंट के हॉल को, ये जो दो हॉल हैं इसमें, उसको बचाते हुए काम किया है। अब इसको फिर से वापस से रीअसेंबल करके और अपनी ये टी प्लेट बाहर निकाल लेते हैं, ओके। मैंने ये अपनी एक टी प्लेट खोल लिया, ये देख सकते हैं आप, हॉल आर से पार दिखाई दे जाएगा आपको। चलते हैं इसमें चूड़ी बनवा के आते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्पेस है, बहुत जगह है, इधर भी और इधर भी, बिल्कुल सही जगह पर अपने ये हॉल हुए हैं। मैं चूड़ी बनवा के ले आया हूँ, आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ओके, टाइट करता हूँ तो टाइट भी हो जाता है ना, अपना ये हॉल ख़राब हुआ और ना ही ये हॉल ख़राब हुआ, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हो गया। तो मैं इसको पेंट कर ले आया हूँ, कुछ इस तरीके से इसका लुक आया, तो कर लेते हैं इसको इंस्टॉल, ओके। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लिए दोस्तों अपने, ओके, अब इसको आराम से इस तरह से पार्ट अपना इंस्टॉल हो गया दोस्तों। इसके दोनों पेज खोल लिए, ये है दोस्तों अपने स्पेसर, एक का मैंने स्पेसर लगा के सेट कर दिया, और अभी मैंने उसको टाइट नहीं किया, ये वाला एलन बोल्ट अभी टाइट नहीं किया, ये अलग से लोहे का एक मैंने कट किया हुआ है, और ये है, ओके, इन दोनों को मिक्स करके ये लगा दिया अपने स्पेसर। ये तो ये क्या होगा, इसको पहले इस तरह से पहना के ले लेंगे कर लेते हैं, ये हो गया दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं,
इजीली चल जाएगा दोस्तों। कोई भी किसी तरह का इसमें टच नहीं आ रहा है, ये अपना वो हैंडल बार कंप्लीट हो गया। अभी अपन दोनों ये जो पॉइंट है ये एक्सीलरेशन का, ये अभी अपन दोस्तों इसमें फंसाएंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल कब तक कट हो गया और इसको यहाँ सेट करके वापस से कोई दिक्कत नहीं, पूरी पूरा मूव है। ओके तो फाइनली दोस्तों सारा जुगाड़ करते करते अपना ये हैंडल बार इंस्टॉल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक मैट का टुकड़ा है रबड़ का, मैंने ये दो कट कर लिए हैं, यही मैं इस पे लगाने वाला हूँ। इसके पीछे मैंने डबल टेप लगा दिए, देख सकते हैं आप लोग। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।